जनपद के लार थाना क्षेत्र के मठलार गांव में भेड़ियारवा टोला के रहने वाले राकेश सिंह की हत्या 24 अप्रैल 2024 को कुछ लोगों ने शव को गांव की कुछ दूरी पर फेंक दिया था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस लार को दी। 8 दिन बीत जाने के बाद लार थाना अध्यक्ष कपिल देव चौधरी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और विवेचना अपने पास रख ली है और आरोपियों को बचाने में लग गई है। लगभग 3 माह बीत जाने के बाद भी विवेचन कपिल देव चौधरी नामजद हथियारों को गिरफ्तार नहीं कर सके और उल्टे ही पीड़ित पिता और मृतक के भाइयों की पत्नी 8 साल के मासूम को जेल भेजने की धमकी दे रही है। वहीं पीड़ित पिता अपने बेटे के हथियारों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन हथियारों के व्यवस्थित के आगे पुलिस अधिकारी भी खामोश है। बताया जा रहा है कि आरोपियों की मदद से कुछ सफेद पोस्ट भी लगे हुए थे और लार थाने में राकेश सिंह के हथियारों की गिरफ्तारी की बात जो करता है उनकी फर्जी मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर विवेचक कपिल देव चौधरी थाने में भगा देती है। उनकी पीड़ित परिजनों का कहना है, सवाल अब ये है कि जब हत्या हुई मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन थानाध्यक्ष ने 3 महीने पूरा होने के बाद भी हत्यारोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंचों से कहते हैं कि हत्यारों की जगह जेल में है, लेकिन देवरिया में ठीक इसके विपरीत है। जनपद में लगातार हत्या लूट बलात्कार हो रही है लेकिन पुलिस अधिकारी इन घटना को छुपाने में लगी। पति के साथ कौन मारे हैं आपके पति? जैसे कुछ लोग हैं, हरिशंकर यादव है, संतोष है, प्रदीप है, उन लोगों ने मारा है मेरा श्री राकेश सिंह को। ले गए, वही पकड़ के ले गए थे और फिर उन्होंने मतलब वहाँ 24 अप्रैल की है 2024 की। आरोपियों के ऊपर कार्रवाई हुई है? अरे आरोपी की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि मान लीजिए कि कार्रवाई की गई होती तो आज वो बाहर नहीं घूमते और बाहर घूम रहे हैं। और मान लीजिए कि बाहर जब घूम रहे हैं तो उसकी कैसी कार्रवाई है? कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है। अपराधी कहाँ है? अपराधी घर पे ही है और मान लीजिए कि घूमने। सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे हमारे परिवार को हमारे बच्चे को न्याय मिले, बस हम यही आप यही गुजारिश है। क्योंकि मान लीजिए कि 8 साल का बच्चा है वो किस लायक है? अभी तो मान लीजिए कौन साथ देगा? पुलिस थाने पे गए तो बोले कि जाइए हो जाएगा, मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। क्यों? 3 महीने में 1 दिन कम था, आज क्योंकि कल 24 है, पूरा 3 महीने हो जाएगा, मगर नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सीमा सिंह क्या लगते हैं? किसके मृतक के? हम उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी है, मेरा एक बेटा है 8 साल का है। सर हमारा बड़ा लड़का है राकेश सिंह, उनके 24 अप्रैल को दिन में मर्डर हो गया। शाम को हमको खबर मिला तो पुलिस को हमने सूचना दिया, पुलिस लाश लेकर गई, आप पोस्टमार्टम हुआ, उनको गंभीर चोट लगी है। लेकिन एसओ लार कपिल देव चौधरी और विजय लक्ष्मी गौतम की मिली भगत से जब जब हम लोग कहते हैं तो कपिल देव चौधरी कहते हैं कि ढेर बोलोगे तो हम इसी केस में दोनों लड़के और तुमको गिरफ्तार करके और जेल भेज देंगे। ये विजय लक्ष्मी गौतम है कौन? विजय लक्ष्मी गौतम राज्यमंत्री हैं जी। हाँ, ये क्या नाम है, कौन कौन मारने वाले? कन हरशंकर यादव, संतोष पाल और प्रदीप कुमार सिंह। पुलिस अभी तक ने क्या कार्रवाई? कुछ नहीं कार्रवाई की है, लिपापोती कर रही है पैसा लेकर। ये कितने दिन घटना हो गई? 3 महीना। हम चाहते हैं कि सरकार से निवेदन है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम विनोद कुमार सिंह नाम है, लार मठवाल भेड़ियारवा टोला के निवासी है, बहुत प्रताड़ित है। आपका क्या लगते बड़े बड़े बेटे हैं राकेश सिंह उनका नाम है।